वालेकुम दोस्तों बहुत दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक कंपनी है उसका नाम है और फ्लेम उसके बारे में मैं अपने रिव्यूज़ शेयर करूं कि वो फ्रॉड है या नहीं है कैसी कंपनी है पहली बात तो ये है कि और फ्लेम एक लीगल कंपनी है इसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है ये स्वीडन की कंपनी है मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती है तो कंपनी बिल्कुल कानूनी कंपनी है इनकी वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन पचास साल पुरानी कंपनी है इनका जो बिज़नेस मॉडल है यहाँ पे मेनली ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं इनका बिज़नेस मॉडल एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग का है एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इन पे ज़्यादातर लोग शक करते हैं कि ये फ्रॉड ये हो सकते हैं लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना बिज़नेस का ये बहुत सिंपल है ये मैं आपको समझाता हूँ पहले ये कंसेप्ट क्या है ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो लोग भी अगर जानना चाह रहे हैं एम एल एम के कम्पेजिटर्स के बारे में तो वो भी समझ सकें कि ये कंपनीज ऑपरेट कैसे करती हैं जो ईमानदार होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं लेकिन ईमानदारी के बेस पर मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं ये मार्कर बनाता हूँ मिसाल के तौर पर ठीक है इसको बनाने में मेरी जो कास्ट है वो दस रुपये या दस डॉलर कुछ भी समझ लो और इसकी जो मार्केटिंग होगी ठीक है इस पर भी मेरा दस रुपये का ख़र्चा होता है कंपनीज फैसला ये करती हैं कि यार ये जो मार्केटिंग वाले दस रुपये हैं जिसमें नॉर्मल कंपनी कोई सेलेब्रिटी को हायर करते हैं कोई टीवी पे पर इश्तहार चलाते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे मुख्तफ जगहों पे इश्तहार चलाते हैं उसका उनका खर्चा होता है तो कंपनी फैसला करती है कि जनाब मैंने ये खर्चा नहीं करना ठीक है ये जो दस रुपये हैं ये मैंने अपने कस्टमर को देने हैं ठीक है जो भी गाहक मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसको ख़रीदेगा दस रुपये का मेरा अपना खर्चा है तो इस दस रुपये और दस रुपये मेरे कस्टमर के हैं तो टोटल प्राइस मेरे प्रोडक्ट की है जनाब पता नहीं ये यह यहां पे आ रहा है नहीं आ रहा पच्चीस रुपया ठीक है ट्वेंटी फाइव रुपीज मेरे प्रोडक्ट की टोटल प्राइस है अब ये मॉडल वैसे तो बड़ा ठीक लग रहा है कि कंपनी जो है ना मुझे सही तरीके से पैसे दे रही है बिल्कुल हक की बात है इस तरह के कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होता है इस तरह के कंपनीज में प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी जितनी भी पुरानी होगी चाहे सच्ची है चाहे ईमानदार है तो आपके मुनाफे के चांसेस कम हैं अगर आप देर से इसमें काम कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा जिस बंदे को होता है ना वो टाइम पे ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं मिसाल के तौर पर कमीशन है एक चीज़ का ना नेटवर्क इनका ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टॉप का बंदा बैठा हुआ है इसने दो बंदों को प्रोडक्ट बेचा ठीक है इसने फिर यहाँ पर तीन को प्रोडक्ट बेचा ठीक है फिर यहां पे किसने तीन को बेचा ठीक है इसमें जो मेन बंदा जो पैसे बनाता है वो ये वाला बंदा होता है सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला दूसरे नंबर पर ये वाला ये कंपनीज डब डूबती हैं चाहे वो ओरिजिनल हों चाहे फ्राडियाँ हों कोई भी केस हो इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों का नुकसान होता है वो ये नीचे वाले लोग होते हैं ठीक है इनसे आप मिलेंगे ये आपको ऐसे ख्वाब दिखाएंगे कि आपको पता नहीं एक दिन में मिलीनियर मिली बना देंगे मिलीनियर बना देंगे हकीकत ये है कि ये जो काम है ना ये सबसे मुश्किल काम है ये अगर आपने कर लिया ये काम अगर आपने कर लिया और आप अगर ऐसे बंदे हैं तो दूसरों को कन्वेंस कर सकते हैं और उनकी गालियां भी बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे उनको क्लाइंट नहीं मिल रहा होगा मसला हो रहा होगा तो बहुत मसले बहुत मसले होते हैं इसमें बहुत मसले होते हैं हमारे माशरे में तो ये हाल है कि जो शख्स किसी एम एल एम कंपनी के साथ आ, काम करता हो हम उसको मिलते भी नहीं हैं जमाना तलब इलमी में इस तरह की कंपनीज बहुत आती थी उनकी कोई ज्वाइनिंग फीस होती थी गोल्ड माइन की इस तरह की मैंने इनके मॉडल्स पर बहुत काम किया है आप यकीन करें जो भी शख्स ये मॉडल बनाता है ना कमीशंस का वो अपना फायदा सोचता है आपका फायदा नहीं सोचता इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन बात यह कि आपका भी तो फिर फायदा होना चाहिए ना ये नहीं है कि आप एफर्ट कर रहे हो और आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिल ना रहा हो अब आपने इनके साथ कारोबार करना है या नहीं करना पॉइंट की बात पे आते हैं अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनका कारोबार कैसा है ठीक है और ये जानने के लिए कि क्या ये कंपनी स्कैम है या नहीं है आपको ये देखना चाहिए कि क्या इनकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है या नहीं है मैं इस बात को दोबारा कहूँगा ये सबसे अहम बात है क्या जो प्रोडक्ट ये लोग आपको बेच रहे हैं उसका उसकी अहमियत है उसकी वैल्यू है क्या जो लोग ओरिफ्लेम फ्लेम चेहरे पे लगाते हैं इनके कॉस्मेटिक्स ख़ातून इस्तेमाल करती हैं क्या उसकी वैल्यू है मिसाल के तौर पर अगर वो प्रोडक्ट आप मुझे दस हज़ार में दे रहे हैं ठीक है और मुझे बॉडी शॉप में वैसी ही चीज़ पाँच हज़ार में मिल जाती है या किसी और कॉस्मेटिक कंपनी से पाँच हज़ार में मिल जाती है और मैं ओरी फ्लेम से दस हज़ार में ले रहा हूँ तो गड़बड़ है ठीक है पहली चीज़ उनके प्रोडक्ट को देख लो अगर आपको लगता है कि नहीं यार अगर दस हज़ार में बिक रहा है तो प्रोडक्ट भी दस हज़ार का आपने मुझे प्रोडक्ट दे दिया तो अगला प्रोडक्ट भी दस हज़ार का है फिर तो फिर तो उसमें कोई बुराई नहीं है सही है आपको उसमें कमीशन भी मिल रहा है कोई मसला नहीं है आप सारी ज़िंदगी और ही फ्लेम कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते रहो जिसको आदि बनाओगे वो भी इस्तेमाल करता रहेगा प्रोडक्ट्स भी बिकते रहेंगे आपके लिए सुकून ही सुकून लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट ठीक नहीं है फिर आपने इनके साथ काम नहीं करना क्यों क्योंकि ये कंपनी चलेगी नहीं ये ये जो सर्कल है ना ये बनेगा तब जब प्रोडक्ट अच्छी होगी एक प्रोडक्ट के बारे में मशहूर हो जाए कि बेकार चीज़ है मैं चेहरे पे नहीं लगाता धब्बे निकल आते हैं या इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो आप कैसे भेजेंगे लोगों को बेचने के दो मसले हो जाएंगे एक तो ये है कि आप उनको कन्विंस कर हैं शायद थोड़ी बहुत फीस भी होती होगी फिर अगर प्रोडक्ट ही बेकार है तो क्या फ़ायदा उस प्रोडक्ट में पैसे लगाने का ठीक है ये फैसला अब मैं आप पे छोड़ता हूँ आप उनकी प्रोडक्ट को कहाँ पे रैंक करते हैं और अभी इस कंपनी को कितना आरसा हो गया है और जिस शख्स के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका लाइफ स्टाइल कैसा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद भी जो है ना मोटरसाइकिल पर आता है या भी जो है ना वो फिर आपको किसी होटल में बुलाता है साइकिल पर आता है और आपको लंबी लंबी बातें फेंकता है दो दो तीन तीन घंटे आपको कन्विंस करता है बाद में कुछ नहीं बन रहा होता तो इस बात को आप देख लीजिएगा जो काम की कंपनीज होती है ना उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती काम की कंपनीज होती है उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि नौजवान लड़कों को इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए आप अगर नौजवान हैं मेरे दोस्त हैं मेरे भाई हैं आपको इन्वेस्टमेंट कारोबार की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कमाई की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए जितनी आपको अपने स्किल की और अपने शौक़ की फिक्र करनी चाहिए ठीक है इतनी इन्वेस्टमेंट या कमाई की फ़िक्र ना करो जितनी अपने स्किल की अपने शौक़ की फ़िक्र करो इन्वेस्टमेंट वालदे का काम है इन्वेस्टमेंट एक ऐसा काम है जिसको आप कम से कम तीस साल बाद शायद करना शुरू कर दें लेकिन ये जो आपकी उम्र है ये जो पच्चीस से तीस साल के दौरान इसमें दबा के काम करें दबा के स्किल बनाएँ अपने पैशन को फॉलो करें फ़ेल भी हो गए ज़िम्मेदारियाँ कम हैं ज़िम्मेदारियाँ जब तक आपकी नहीं बढ़ती हैं आपने इन इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना कोशिश करें अच्छे जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं आप आईथान सीख लें बिज़नेस एनालिसिस सीख लें इस पर मार्केट रिसर्च सीख लें मेरे कोर्सेज आएंगे उन पे हम काम करेंगे तो ये मेरा मशवरा है आप लोगों को बाक़ी आप कोई भी काम करें ईमानदारी से काम करें खलूस के साथ काम करें जज्बे के साथ काम करें हम इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं आपने किसी ऐसे काम में हाथ डाला है जो आपको लगा कि यार ये तो नुकसानदेह काम है छोड़ दें कुछ नहीं होता अल्लाह पाक ने तोबा रखा है बहुत बड़ा पैगाम है बहुत बड़ा पैगाम है चीज़ों को जब हम देखते हैं ना तो उनके दो लेवल देखने के होते हैं एक तो ये है कि जी तोबा रखा है तो जब गुनाह किया अल्लाह से तोबा करो लेकिन दूसरा एक प्रोसेस अल्लाह पाक समझा रहे हैं हमें कि भाई ग़लती हो गई कोई मसला नहीं है ख़त्म कर दिया कैंसिल कर दिया दोबारा से शुरू कर दिया ठीक है ना? तो ये ये मेरी बात थी आज की अल्लाह हम सब कहा हामिर हो हाफिज़